हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट 2018 के फॉर्म जिनका हम काफी समय से वेट कर रहे थे, नोटिफिकेशन आया था, पोस्टपोन हो गया था, बच्चे फॉर्म अप्लाई करने का वेट कर रहे थे। एक बहुत बड़ी खबर हाल ही में एक न्यूज़पेपर ने दी है, जिसके अकॉर्डिंग आज से यानी 1 अगस्त से सीटेट के फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो रहे हैं। सीटेट 2018 जिसका बहुत से बच्चों को, हजारों लाखों बच्चों को इंतजार होता है, क्योंकि डीएसएसबी के फॉर्म जब भरे गए थे उनमें भी काफी बच्चों का सीटेट नहीं था, उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। उसी के साथ जो नए बच्चे जेबीटी बीएड और करके आए हैं, उनके लिए भी ये वेटिंग का इशू था कि कब सीटेट के फॉर्म आएंगे और कब हम अप्लाई करेंगे और कब हमें सीटेट पास करने की डिग्री मिल जाएगी। आज ये बड़ी खबर लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। एक व्हाट्सएप के ऊपर बहुत बड़ा मैसेज वायरल हो रहा है कि इस पेपर ने दिया है, इसके अकॉर्डिंग 1 अगस्त से डेट आएगी। तो दोस्तों, मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को वो न्यूज़पेपर दिखाया जाए, क्योंकि जब तक कोई भी चीज प्रूफ के साथ नहीं होती है तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। लोग व्हाट्सएप पे मैसेज में तो कुछ भी लिख देते हैं, बट उन्होंने क्या लिखा है इसकी कोई सत्यता नहीं होती है। आज हम उस न्यूज़पेपर पे जांच करेंगे जो देश का एक बेहतरीन न्यूज़पेपर है और जिसके सोर्स और पीटीआई के हवाले से खबरें लगभग सच्ची मानी जाती हैं। आइए देखते हैं। हिंदुस्तान लाइव न्यूज़पेपर है दोस्तों, इसने कहा है कि सीटीईटी के लिए आवेदन 1 अगस्त से होंगे। सीबीएसई ने सीटेट के आवेदन लेने की तिथि जारी कर दी है। अभ्यर्थी 1 अगस्त से सीटेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त तक होगा और जो फीस है वो 30 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। आवेदन के लिए वेबसाइट www.ctet.nic.in पर किया जाएगा इसका आवेदन। सीटेट से संबंधित जानकारी सीटेट वेबसाइट पर 1 अगस्त को डाल दिया जाएगा, अभ्यर्थी अधिक जानकारी वहां से ले पाएंगे। तो दोस्तों, हिंदुस्तान लाइव ने एक बड़ी खबर दी है, क्योंकि इन लोगों के सूत्र काफी मजबूत होते हैं ये माना जाता है, क्योंकि जब तक किसी व्हाट्सएप पे लिखी हुई खबर पे हम भरोसा नहीं कर सकते, बट कोई न्यूज़पेपर में कोई चीज आई है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, उनके पास कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। तो ये कहना है इनका, 1 अगस्त यानी आज से फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। 27 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई होंगे, 30 अगस्त तक फीस जमा होगी। www.ctet.nic.in पर फॉर्म भरे जाएंगे और कंप्लीट जानकारी वहां से मिल जाएगी। एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, मैंने सीटेट का जो अभी पीआरटी का जो लेटेस्ट सिलेबस जारी किया है वो मैंने अभी अपलोड किया है। जो दूसरा मैथ साइंस का और एसएसटी का जो टीजीटी वालों का सिलेबस है वो भी मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, उसी के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लोग को सिलेक्शन मिल पाएगा। ये जरूरी है, जिन साथियों का डीएसएसबी का लटका हुआ फॉर्म है या अभी एग्जाम नहीं हुआ है उनको भी सीटेट की जरूरत पड़ेगी, और बाकी लोगों को भी करना पड़ेगा, जिनकी वैलिडिटी खत्म हो रही है उनको भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी से मेहनत पर जुट जाइए। जिन साथियों को नोट चाहिए सीटेट के या डीएसएसबी के, वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को स्टडी मटेरियल बढ़िया प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा जाएगा, ताकि आप लोग कोचिंगों के चक्कर ना लगा करके अपनी तैयारी को घर बैठ के कर सकें। क्योंकि दोस्तों, सीटेट में कोई खास बात नहीं होती है, सारा ही 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें आपको 60% ही लेने होते हैं, यानी 90 नंबर लेने होते हैं। 60% हम स्कूलों में, कॉलेज में, हर जगह लेते हैं, तो यहाँ हमारे लिए क्या मुश्किल है। तो इसके लिए आपको कहीं ज्यादा ज्वाइन व्वाइन करवाने की जरूरत नहीं होती है, आप लोग स्टडी मटेरियल के साथ तैयारी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज से हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लाइव क्लास, जिसमें पैडागोजी होगी, हिंदी इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स साइंस होगा और दूसरे सभी सब्जेक्ट्स की हर रोज आपका लाइव टाइम क्लासेज होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्दी ही आप लोगों को फॉर्म की कंप्लीट डिटेल की कैसे अप्लाई होना है उसको लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। आज के लिए इतना ही,